please press the subscribe button and click the bell icon for the latest updates. Hey guys, hope you all are fine today. Today I'll be reviewing a face wash from the same Jovees premium collection. This is the Pearl Whitening Face Wash and it is from the same series. मैंने इसे खरीदा है ₹240 में एंड मैं आपको इसके डिटेल्स बताऊंगी, इसको कैसे यूज़ करना है वो बताऊंगी, इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो लेट्स सी. तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं लिखा है जोवीज पर्ल वाइटनिंग फेस वॉश. इसकी क्वांटिटी है 60 ml एंड द बेस्ट पार इज इट इज़ गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स. तो ये सारे तरीके के स्किन टाइप्स के लिए सही होता है क्योंकि जब आप कोई फेस वॉश लेते हैं तो ड्राई स्किन के लिए अलग फेस वॉश आती है, नॉर्मल स्किन के लिए अलग आती है और ऑयली स्किन के लिए अलग आती है. तो इसके बेस्ट पार्ट इसका ये है कि ये सारे तरीके के स्किन टाइप्स पे ये सही रहता है, यूज़फुल रहता है. आपको अलग फेस वॉश लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी स्किन टाइप वाले ये फेस वॉश खरीद सकते हैं. तो इसके साइड्स पे आप देख सकते हैं इस पर लिखा है जोवीज पर्ल वाइटनिंग फेस वॉश और इसका डिटेल्स लिखा है यहाँ पे और इसकी प्राइस लिखी है. वहीं दूसरी तरफ इसमें बताया गया है कि ये किस तरीके से हमारे स्किन के लिए यूज़फुल है. मैं इसको थोड़ा रीड आउट कर देती हूँ. दिस स्पेशल पर्ल सीरीज प्रोडक्ट हैज़ बिन डेवलप्ड यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी. द नैनो स्किन केयर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व द इंक्लूजन ऑफ नैनो पार्टिकल्स इन द रेंज ऑफ 100 to 140 माइक्रॉन्स विद इन द प्रोडक्ट्स दैट कैन बी डीपर इन टू द skin to produce beneficial results and is produced at the state-of-the-art manufacturing plant that ensures both base and active ingredients are treated with utmost care to give optimum results. The Pearl Whitening Face Wash effectively removes impurities, helps to lighten discoloration, maintain fair skin. Now, ye jo hai isme nanoparticles hote hain. Hamari jo body pe ya hamari skin pe पोर्स होते हैं, वेरी माइन्यूट पोर्स विच आर नॉट वेरी मच विजिबल विद नेकेड आई. तो ये क्या करता है, इसके नैनो पार्टिकल्स होते हैं तो सारे जो पार्टिकल्स हैं वो अंदर पोर्स में जा कर के आपकी स्किन से जो गंदगी है, जो डीप पोर्स में जो गंदगी बैठी हुई है उसको ये निकालता है बाहर. तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है बिकॉज जब आप इसको यूज़ करेंगे, मैं इसे लाइक एक महीने से यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा दूसरा पैक है, तो मैंने देखा है वो विजिबल फेयरनेस आई है. फेयरनेस ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन की टोन कुछ डिफरेंट हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जो गंदगी थी कहीं ना कहीं डीप एंड्स पे, बिकॉज हम जब भी कोई भी फेस वॉश या स्क्रब यूज़ करते हैं तो वो बहुत डीप शायद नहीं जाता होगा, तो ये उस तरीके से जाकर उस लेवल पर जाकर गंदगी निकाल रहा है, तो वो विजिबल फेयरनेस आपको देखने को मिलती है. और जो डिसकलरेशन है स्किन पे, जो इवन जो अन ईवन स्किन टोन है आपका, पिगमेंटेशन, जिनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है उसको भी ये आपके स्किन के जो टोन है, फेस के जो स्किन टोन है उसको काफ़ी हद तक इवन करता है. तो एक ही तरीके के जो कलर होता है वो स्किन पे आपको दिखेगा. कई बार क्या होता है आपके स्किन के कुछ पार्ट थोड़े डार्कर लगते हैं और थोड़े पार्ट थोड़े फेयरर लगते हैं, तो ये उसको पूरा इवन कर देता है, उसे आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है. यहाँ पे आप देखिए नीचे, यहाँ पे इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, पर्ल पाउडर, बर्बेरी फ्रूट एक्सट्रैक्ट, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, सोया प्रोटीन एक्सट्रैक्ट. तो ये इसके मेन प्रोडक्ट्स हैं. तो अभी हम बात करें पर्ल पाउडर की. पर्ल पाउडर क्या होता था बहुत पुराने ज़माने में, बहुत जब द रॉयल फैमिली यूज़ टू अप्लाई दिस पर्ल पाउडर, वो अपने कॉस्मेटिक के रूप में इसे यूज़ करते थे, ज्वेलरी के रूप में भी यूज़ करते थे. पर्ल पाउडर करता क्या है, ये एक एंटी ऑक्सीडेंट है इसमें होते हैं विच इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने. वो स्किन पे कोई भी इरिटेशन है या एक्ने की, एक्ने प्रोन स्किन है आपकी, तो उस केस में आप पर्ल पाउडर बहुत बेनिफिशियल होता है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं. इट विल ऑल्सो एक्सेलरेट हीलिंग ऑफ द स्किन वुंड और बर्न. अगर आपके बर्न मार्क्स हो, जैसे मेरे हाथ पे देख सकते हैं, मेरे हाथ पे भी यहाँ बर्न मार्क है, तो अगर मैं इसे यूज़ करूँ अपने इस पार्ट पे तो उसकी जो कलरेशन है उसको ये काफ़ी हद तक ये लाइट कर देता है. दूसरा जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है बर्बेरी फ्रूट. नाउ बर्बेरी फ्रूट का काम क्या है, दिस विल रिड्यूस द एज स्पॉट्स एंड इट विल ऑल्सो रिड्यूस द पिगमेंटेशन प्रॉब्लम. जिनके वो एज के स्पॉट्स आ जाते हैं, एक सर्टन एज आने के बाद आपके फेस पे वो स्पॉट्स आने लगते हैं और जो एजिंग का जो प्रोसीजर है उसमें आपकी स्किन बहुत अफेक्टेड होने लगती है.
पिगमेंटेशन की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको बेबरी फ्रूट जो है वो बहुत उस केस में बहुत फ़ायदेमंद है, वो काफ़ी हद तक उसे रोकता है, उसको उसमें रिडक्शन लाता है। ये नेचुरल स्किन लाइटनर भी है, तो बर्बेरी फ्रूट है दैट इज़ नेचुरल स्किन लाइटनर, ये आपके स्किन को की जो कलर है उसको विजिबली फेयर बनाता है, और जो अगर ब्लैक कहीं पे भी स्पॉट वगैरह है उसको भी काफ़ी हद तक आपको रिमूव करके आपके कॉम्प्लेक्शन को काफ़ी हद तक यूनिफॉर्म करता है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्ग्रेडियंट ऑफ दिस पर्टिकुलर फेस वॉश। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऐसे कई और फेस वॉश हैं जो इस तरीके के क्लेम्स करते हैं, बट बिकॉज इसमें नैनो पार्टिकल्स है तो ये बहुत अंदर से आपकी गंदगी को निकालता है, और जब ये गंदगी निकाल देगा तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि आपकी स्किन जो है वो विजिबली फेयर लगेगी। तो आगे मैं आपको बताऊँगी इसे यूज़ कैसे करना है, हम इसे अनबॉक्स करके भी देखेंगे। तो इस तरीके से ये है, इसके अंदर की पैकिंग भी काफ़ी अच्छी है, इसे ये पेपर का कार्डबोर्ड दिया हुआ है पतला सा, इसके अंदर इसे रखा हुआ है, और इसके अंदर ये ट्यूब में प्रेजेंट है, जो मेरा मेरे पास है वो ट्यूब वाला है, आप ये देख सकते हैं इस तरीके से। तो इसका जो कलर है, जो जो पैकेट का कलर है, ट्यूब का कलर है, वो भी पर्ल का ही कलर दिया हुआ है, तो काफ़ी रॉयल लुक लगती है इसकी, इस पर्टिकुलर फेस वॉश की लुक बहुत अच्छी है। तो फर्स्ट लुक में आपको पैकेजिंग बहुत अच्छी लगेगी, बहुत अच्छे से पैक किया हुआ है इन लोगों ने, और जो थीम है पर्ल वाइटनिंग फेस वॉश उस पर काफ़ी हद तक ये सही बैठता है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट द कलर रिजेंबल्स ऑफ अ पर्ल। तो देखिए ये इस तरीके से दिखता है, और यहाँ पे आपको पीछे सेम डिटेल्स दी हुई हैं, जो जो आउटर कार्टन के ऊपर दी हुई थी उसी तरीके की डिटेल्स देख सकते हैं आप, यहाँ पे दी हुई है सारी चीज़ें, यहाँ पे लिखी हुई हैं दी अबाउट द फेस वॉश एंड देन दी मेथड ऑफ यूज़, दी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड बाकी जो डिटेल्स होती हैं कंपनी की वो सारी इसमें दी हुई हैं। एंड दिस इज़ हाउ इट ओपन्स, यहाँ पे एक फ्लिप ओपन कैप दिया हुआ है, आप देखिए इस तरीके से आप इसे ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से दिखता है। तो जो कंसिस्टेंसी है वो जेल वाली है, इफ़ यू कैन सी क्लियरली, सी दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, कंसिस्टेंसी पूरी जेल वाली है, बहुत ज़्यादा रनी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, तो जो कंसिस्टेंसी मुझे अच्छी लगी। बट थोड़ी सी मैं इसके कैप को लेके डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि कैप मुझे लीकी लग रहा है, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ लाइक 15 डेज से आई गेस, या 1 मंथ से यूज़ कर रही होंगी। कैप से देखिए आप चीज़ें निकलती हैं बाहर, थोड़ा सा आप इसे जब दोबारा यूज़ करेंगे तो आप देखिएगा कि काफ़ी हद तक ये लीकी हो जाता है, हाउएवर ये बाहर नहीं आता है तो दैट इज़ ओके, सॉर्ट ऑफ ओके। बट देन देखिए यहाँ पे ये मैंने इसे भी खोला है और ये निकल कर बाहर आ गया है, ये खुद ही निकल कर आ जाता है बाहर। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है इट्स लाइक अ जेल, और बिल्कुल क्लियर है ये, जिससे क्लियर है एकदम वाटर की तरह, इफ़ यू कैन सी इट वेरी क्लोजली, सी दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। आपने इसे यूज़ कैसे करना है, आपने इसे लगाना है अपने हाथों पे, फिर इसको वेट करना है, नेक को वेट करना है, और इसे अपने हाथ में इमल्सिफाई करके फिर मसाज करना है थोड़ी देर। कोई भी फेस वॉश आप यूज़ करते हो उसे इमल्सिफाई ज़रूर करें, अदरवाइज़ किसी एक जगह पे जो जहाँ पे भी उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा वहाँ की स्किन ज़्यादा अफेक्टेड होगी, मे बी पॉजिटिवली मे बी नेगेटिवली। तो इसलिए आप कभी भी कोई भी क्रीम या कुछ भी यूज़ करें, कीप इन माइंड उसको हाथों में इमल्सिफाई कर लें, फिर उसे आप इस्तेमाल करें। तो आप इसे हाथों पर लगाएं और इसे लाइक 10-15 मिनट आप इसे मसाज करें अपने फेस और नेक पर इवनली, क्योंकि अगर आप फेस पे सिर्फ लगाएंगे तो जो जो स्किन का जो टोन है वो अनइवन हो जाएगा, फेस आपके दूसरे कलर की लगेगी और नेक दूसरे कलर की लगेगी। तो उसको इवन करने के लिए आपको दोनों पे लगाना है, मसाज करना है फॉर लाइक 10 to 15 मिनट्स, उसके बाद रिंस ऑफ विथ नॉर्मल वाटर। तो यूसेज भी काफ़ी आसान है और काफ़ी ईजी है। जो पाउच है ये 60 ml वाला, दिस इज़ क्वाइट ट्रैवल फ्रेंडली, तो आप इसे अपने साथ लेके भी जा सकते हैं, उस तरीके से मुझे अच्छा लगा। देखिए बाहर से निकलता नहीं है तो ये एक अच्छी बात है, लीकेज नहीं होगी बाहर बिल्कुल भी, एंड अमाउंट जो निकलता है दैट आल्सो कम्स आउट ऑन अ पी साइज, तो वेस्टेज भी प्रोडक्ट का नहीं होगा। सो ओवरऑल आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड दिस टू पीपल who have got sensitive skin, who have got pigmentation problem, discoloration problem, I would definitely recommend you guys, please go ahead and buy it, you will not regret,
because I had purchased it for the review purpose, but I found it great, and yes, I would definitely buy another pack of it for the coming days. I would definitely use it because it is giving me positive results. So yes guys, and main iska link description box mein dal dungi taki you will have the ease to purchase it. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल किसी नए प्रोडक्ट की रिव्यू के साथ. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग 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 थम्स अप, एंड एस इफ यू आर अ न्यू विजिटर टू माय चैनल डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू विल बी अपडेटेड अबाउट द लेटेस्ट वीडियोस. एंड इफ यू वॉन्ट टू गेट अ प्रोडक्ट रिव्यूड बाय मी डू लेट मी नो, डू पोस्ट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल गेट बैक टू यू वेरी सून. And yes, keep sharing my videos, keep motivating me so that I can make many more videos like that. I am looking forward to review many other products apart from beauty products so that you guys will have help in purchasing different things. So goodbye for now. Hope you have a great day.